आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंट को संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस तरह से आपको एसएससी की फिजिक्स के अंदर अपने स्टेप्स यूज करने हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या है कि परेशान रहते हैं कि सर हम क्या तरीका अपनाएं जैसे हमारा फिजिकल आराम से हो जाए, हमको रनिंग में परेशानी न सामने आ रहे, हमें इंजरी वगैरह न हो, तो उसी का सोल्यूशन लेके आया हूँ। अगर जो स्टेप्स मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ अगर आप वो यूज करेंगे तो आराम से आप अपनी रनिंग भी निकाल लेंगे और आपकी पेन वगैरह भी नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल पर स्वागत है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें और वो भी समय रहते हैं अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। हम स्क्रीन पर देखिएगा, मैं वीडियो अगर आप सभी स्टूडेंट्स समझा रहा हूँ, वीडियो शॉक करते हैं तो देखिए आप सामने वीडियो सब है। जैसे आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि ये स्टूडेंट जो स्टेपनिंग कर रहे हैं, किस तरह से पैर रख रहे हैं, किस तरह से पैर उठा रहे हैं, कौन से पैर पर जंप लेने हैं, सभी चीज़ों को जैसे आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं। आगे आने वाले जो स्टूडेंट है, जिन्होंने देखिए ये जो स्टूडेंट है इनके स्टेप देखिए, पैर पीछे से आ रहा है और फिर इस पैर को उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे साइकिल स्टूडेंट है बॉडी को भी वो सीधा रखते हैं, गलती क्या करते हैं, और सीधा रखने के बाद में अपने स्टेप को आगे जो आगे जो पैर होता है उसी पर जंप लेते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट देखा, ये पिछले पैर से जंप ले रहे, ये देखो सेकेंड नंबर जो स्टूडेंट है ये पिछले पैर ये जंप लिए इन्होंने, ये पंजे पे जंप ले रहे सिंपल। थर्ड नंबर स्टूडेंट देखो, देखो आप थर्ड नंबर वाले को, ये देखो पंजा फोर्ड फिर जंप, पंजा फोर्ड फिर जंप। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो पीछे वाला जो ले गया था उससे जंप लेना है। जबकि स्टूडेंट्स क्या करते करते हैं, स्टूडेंट्स आगे वाला जो पैर होता है उस पर जंप लेने की कोशिश करता है, उस पर पंजे पर रनिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अब आप नजदीक से देखिएगा, जैसे वो चीज़ इस रनिंग को सीखने का एक सिंपल सा तरीका है। आप सब स्टूडेंट क्या करना होगा, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान करते हैं कि सर हम रनिंग कैसे कंप्लीट करें, हम कैसे सीखें। काफ़ी स्टूडेंट वो चीज़ भी करते हैं लेकिन नहीं सीख पाते हैं। आप अगर जैसे स्टूडेंट धीरे धीरे नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है। आप स्लो रनिंग से मतलब कैसे समझेंगे कि आपको 3 मिनट में एक राउंड निकालना है 400 मीटर, उस तरह से अगर आप रनिंग करेंगे तो ये स्टेप्स आप सीख जाएंगे। ये लास्ट जो स्टूडेंट है इस मेन रेट है, ये थोड़ा बहुत रन कर रहे हैं। आप देखो पैर आगे जा रहा है बॉडी से, है ना, रुख सीधा रखे, घुटना रुख सीधा हो रहा है। ये जो घुटना सीधा हो रहा है, इस घुटने की सीधे होने की वजह से आपकी इंजरी वगैरह होती है, ये खास आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से पैर को पीछे से उठाएंगे, घुटना फोड़ रहे, देखो जब ले रहे हैं घुटना टच कर रहे फिर भी घुटना फोड़ है, जैसे आप उंगली को फोड़ रखेंगे आप तो आपकी इंजरी नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर डाइवर्ट होता है और आप पैन को सीधा रखेंगे तो पूरा प्रेशर एक साथ रनिंग में आपकी इंजरी पर प्रेशर पड़ता है, आज तीन बोन पर प्रेशर होता है जिससे आपकी इंजरी होती है। ये देखिए अब ये स्टूडेंट्स बेस्ट रनिंग कर रहे हैं, मैं खासकर आप सभी स्टूडेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं, इन स्टूडेंट को आप देखिए। ये देखिए आप रनिंग करे फिर पंजे पर जंप, घुटना फोड़ रह रही है, देखो जैसे पैर जमीन पर टच हो पैर टच होते घुटना फोड़ हो जाता है, जैसे जो प्रेशर है वो डाइवर्ट होता है। बॉडी को उन्होंने 10 डिग्री झुका गया है, वह जो सामने है चेस्ट सामने की तरफ है, इसका आप ध्यान रखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल सीधे वो होते हैं, सीधे नहीं कर दिया, 10 डिग्री बोले झुका रही, देखो जंप ले रहे हैं लास्ट से, ये पैसे जंप लिया, ये पैसे जंप लिया, ये थी इस तरह से आपको मामला बन रहे। ये प्रोफेसर विनोद लोगों ने सुना बात, ये स्पीड हुई है खड़ी रनिंग, मतलब इस तरह से रनिंग करनी है आपको, ये स्टूडेंट की तरह ये खड़ी रनिंग कर रहे, ये देखिए इस तरह वो आपको स्टैंड रनिंग नहीं करनी। ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली पसंद आई होगी। आप सभी स्टूडेंट्स को और भी कोई जानकारी चाहिए, आपको और कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज वगैरह है, आप एसएससी पे जीने वाले और भी जानना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा और मुझे लगेगा कि इसको जरूरी है स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्दी जो आपको इश्यू है उसके ऊपर वीडियो जरूर लेता होगा। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए अगर आप कोई भी दिक्कत है, तो क्योंकि एक पहले से आप सभी स्टूडेंट फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो समय बहुत कम बचा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे आप आराम से जो अपना एक्सरसाइज जो फिजिकल है वो आराम से बढ़ते करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपनी चैनल फिजिकल विजिट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।